Abhisar Sharma, a journalist, novelist, popular as a dissenting voice in mainstream media, and his recent fearless anti-establishment videos on YouTube. देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस वक्त के दौर और इस वक्त के दौर में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मेरा सिरदर्द बहुत कम हो गया है. पहले क्या होता था कि मैंने ये ट्वीट किया, मैंने वो वीडियो ब्लॉक किया, मैंने ये ऑन एयर कहा, हर दो दिन में मेरी हाजिरी लगती थी कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, आपने क्यों कहा. और ये पिछले दो साल में बहुत ज्यादा हो गया था, खासकर जब से मैंने वीडियो ब्लॉग शुरू किए थे तब से बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को होनी थी. मगर एक बार जब मुझे अनएम्प्लॉयबल कर दिया गया उसके बाद से ये सिरदर्द खत्म हो गया है. क्योंकि अब आप किसको कंप्लेन करेंगे. तो यकीनन अरफा, इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने आवाज दी है, खासकर उन लोगों को आवाज दी है जो सत्ता से सीधे सवाल पूछना चाहते हैं. मतलब डेढ़ साल में मेरा एक ब्रांड बना है कि साहब आप मोदी से सवाल बेखौफ पूछते हैं. मैं कुछ नया कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो वही जो काम 10 साल से कर रहा हूं अब करता हूं. अगर जो काम मैं कर रहा हूं या आरफा कर रही हैं या अन्य पत्रकार गिने चुने हैं हालांकि वो कर रहे हैं, अगर सब ये काम करते तो मैं शायद भीड़ में गुम हो जाता. मगर चूंकि मैं वो काम कर रहा हूं इसलिए मैं आइडेंटिफाई हो रहा हूं. तो एक उसमें कहा जाए फर्क ये है कि अब वो सिरदर्द खत्म हो गया, अब आप अपनी बात कह सकते हैं. मगर हाँ, एक हल्का सा खौफ रहता है कि अब आपके ऊपर किसी का साया नहीं है. साया नहीं है, और उस साये से मेरा मतलब किसी चैनल का साया नहीं है. और एक जहन में डर लगता है क्योंकि देखिए आपकी पहचान एक फैमिली की भी पहचान है. तो मैं अक्सर कहता हूं, इनफैक्ट मेरे इंट्रोडक्शन में मुझसे रिश्ता ने कहा था भी आप अपना इंट्रोडक्शन भेजिए, तो मैंने तमाम बातों के अलावा लिखा अ डोटिंग फादर. मेरी पहचान में सबसे ऊपर है फैमिली, फैमिली के बाद देश, देश के बाद पेशा, और पेशे के बाद धर्म. फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है. और आज की तारीख में जब मैं कोई बात कहता हूं जिसे लोग बेबाक होने की बात कहते हैं, तो जहन में बस एक यही डर रहता है कि कहीं फैमिली को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे लोग. क्योंकि हो रहा है, और मेरे ख्याल से इस चर्चा के दौरान आरफा में आगे भी बताना चाहूंगा. Hi, my name is Vimal. My question is to Abhisar. Abhisar, first of all, congratulations on Ramnath Goenka Award. I don't know how did you win it. Democracy is still alive. अगला टिप कॉर्नर मिले. मैं दूसरा व्यक्ति हूँ इस रूम में जो दूसरी साइड में था. 2014 में मैंने मोदी जी को वोट दिया और मुझे कोई शर्म नहीं है. अच्छा, और आपका भारत की आर्थिक राजधानी में बहुत बहुत स्वागत है. मेरा प्रश्न भी अर्थव्यवस्था और ऐसी चीजों से है. कुछ दिनों पहले वायर के बारे में ट्वीट चल रहे थे कि वायर इज बैक्ड बाय पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप. एक बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क है जो कि एक बहुत बड़े धन्ना सेठ जो है वो चलाते हैं. अल्टीमेटली ब्राह्मण या कोई और दलित या ये सारे मुद्दे हैं हमारे देश में, पर अल्टीमेटली आज की देश आज के टाइम में जिसको सबसे ज्यादा पावर कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिसे डिफेंस डील मिलती है, वो एक धन्ना सेठ ही है. इसके बारे में और पत्रकार जो है, पत्रकार ज्यादा प्रचारक बनते जा रहे हैं, राइट? तो इनके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है उतना खुले से, इतने खुले में सब ये क्यों नहीं सवाल करते हैं कि ये कैपिटलिज्म जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है मीडिया को बहुत बड़े हाथ से. इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपने कहा ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं, ये सवाल कहाँ उठ रहे हैं. ये सवाल उठते हैं वायर जैसे मंचों पर, ये सवाल उठते हैं न्यूज क्लिक जैसे मंचों पर, ये सवाल उठते हैं उन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है. ये सवाल नहीं उठ रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, और यही वजह है कि उनकी विश्वसनीयता बहुत तेजी से खत्म हो रही है. क्योंकि वहां पर सवाल तो है ही नहीं ना. मतलब जिस वजह से मुझे एबीपी न्यूज छोड़ना पड़ा था, वो सिर्फ एक लाइन की वजह से छोड़ना पड़ा था मुझे, कि सुल्तानपुर में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी सीसीटीवी में, और दो दिन पहले मोदी जी लखनऊ में थे, और लखनऊ में वो बोल रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश में आके इन्वेस्ट कीजिए. मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यहां सुल्तानपुर इसमें आदमी को सीसीटीवी में गोली मार दी गई है, और दो दिन पहले मोदी जी ये बात कह रहे थे. सिर्फ इतने से मुद्दे में मुझे छुट्टी पे जाना पड़ा.
तो मेनस्ट्रीम मीडिया की ये हालत हो गई है। मगर अगर मेनस्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है तो नुकसान वो खुद का कर रहा है। क्योंकि देखिए, हम मीडिया वाले, हमारी रीढ़ क्या है, हमारी ताकत क्या है, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, हम बुनियादी तौर पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमें होना चाहिए। मगर अगर हम अपने डीएनए से ही जुदा हो जाएंगे तो कल को इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट भी क्यों करेगा। तो मीडिया को, खासकर मेनस्ट्रीम मीडिया को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आप उस पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, और कल को कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेगा न्यूज चैनल्स में। यस, फैमिली की स्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा आप कुछ मत सोचिए। अब सर पे कफन बांध के निकलिए। प्रीति, प्रॉब्लम क्या है उसमें, जब आप कहती है ना कि फैमिली की स्टेबिलिटी, ये दोनों जुड़े हुए आपस में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस वक्त आईबी ऑफिशियली दो पत्रकारों को डील कर रही है हर जगह। यहाँ इस वक्त बैठे होंगे, मुझे पता नहीं, प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा को। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घुस रहा हूँ पूरी मंदिर के अंदर अपने बच्चों का हाथ पकड़ के। सडनली एक आदमी मेरा हाथ पकड़ता है और बोलता है, अरे आप यहाँ पर आ गए, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। आपको सिर्फ टेल नहीं किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि वी आर टेलिंग यू। सो देयर इज ऑलवेज दिस इंटिमिडेशन। द इंटिमिडेशन एंड थ्रेट इज ह्यूज। या लेकिन हम सर पे कफन बांध के निकले हैं। सो द बिगेस्ट थ्रेट नाउ इज टू आवर लाइफ। फाइनेंशियल तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा ये रियलाइज करना और इसे एक्सेप्ट करना भी जरूरी है दैट यस, देयर इज अ रियल थ्रेट टू आवर करियर्स एंड लाइव्स। और विसारों में कम से कम इस बात को कह सकते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि अगले आने वाले एक साल में हमारा करियर क्या मोड़ लेगा, हम कहाँ होंगे। हम हर रोज जी रहे हैं और कल का पता नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिसाइड्स, जैसा आप कह रही हैं, शायद हम लोग बीसी में अटेंड करते हैं, इसलिए हम स्पेस में हैं जहाँ हम हैं।